हेलो प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है कहानियों का ठाबा चैनल पर दोस्तों आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है आज की कहानी का शीर्षक है बड़ा बनने के लिए सदैव बड़ा सोचो तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक बार अत्यंत गरीब परिवार में एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी का सफर कर रहा था घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी इसीलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफ़िन में से रोटियां निकालकर खाने लगा उसका खाने का तरीका कुछ अजीब था वह रोटी का टुकड़ा लेता और उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देख रहे थे और बहुत हैरान हो रहे थे वह युवक हर बार रोटी का टुकड़ा तोड़ता और झूठ मूट का टिफिन में डालता और खाता सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा है आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उस व्यक्ति ने उससे जाकर के पूछा कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तुम्हारे पास तो सब्जी ही नहीं है फिर रोटी के टुकड़े को खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो तब उस युवक ने उत्तर दिया भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा अचार है मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूं फिर दोबारा से उस व्यक्ति ने पूछा खाली डक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी खा रहे हो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ भी रहा है फिर युवक ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल आ रहा है मैं रोटी के साथ अचार सोच खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है उसके बाद इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह मटर पनीर सोचते शाही पनीर सोचते मिक्स वेजिटेबल सोचते तुम्हें इनका सबका स्वाद मिल जाता तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचा तुम्हें पहले बड़ा सोचना चाहिए था तो प्यारे साथियों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे छोटी होगी तो छोटा मिलेगा बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा इसीलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा का और समय का व्यय होता है जितना बड़ी सोच में इसीलिए जब सपने देखने ही हैं जब सोचना ही है तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए तो प्यारे साथियों इस कहानी में इतना ही मिलते हैं फिर एक और नई शानदार कहानी में तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोज़ को लाइक कीजिए ऑल द बेस्ट साथियों